वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अल नूर ऑर्चर्ड प्रेजेंट्स नूरे रमजान। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि दो बहुत ही खूबसूरत गाड़ियों के पास मैं इस वक्त खड़ी हूँ। इस रमजानुल मुबारक अल नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम पेश करता है बराए रास्त नशरियात रोजाना ए प्लस और पब्लिक न्यूज पे, और डेली अल नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम अपने कस्टमर्स को देता है कीमती इनामात। हर रोज हम कुरानदाजी करते हैं एंड थ्रू दैट मिलता है मोबाइल फोन, LCD, बाइक एंड उम्रे का टिकट। लेकिन चार गाड़ियां भी आप लोग जीत सकते हैं थ्रू कुरानदाजी। कल हम पहले विनर का नाम अनाउंस करेंगे फॉर द फर्स्ट कार। उसके बाद तीन गाड़ियां रह जाएंगी जो एक दूसरे अशरे में मिलेगी और दो गाड़ियां तीसरे अशरे में। कल हम अनाउंस करेंगे विनर ऑफ द फर्स्ट कार, पहले अशरे की जो गाड़ी है। अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम के कस्टमर से एक रिक्वेस्ट है अलबत्ता, कि अगर आप भी इस कुरानदाजी का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपने नाम का कुरा भी डलवाना चाहते हैं वैलेट बॉक्स में, तो आपको भी अपने बकिया वाजिबात जो है उनको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप 20 रमजानुल मुबारक तक क्लियर कर देंगे तो आपका नाम भी बैलेट बॉक्स में बाई डिफॉल्ट चला जाएगा और फिर आप भी विनर बन सकते हैं किसी भी इनाम का। एंड यू कुड ऑल्सो बी द विनर ऑफ अ ब्रांड न्यू कार बाय अल नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम। सो बहुत बहुत मुबारक हो उनके कस्टमर्स को कि आपको इतना सुनहरी मौका मिल रहा है और रमजान मुबारक में एक प्यारी सी गाड़ी भी घर आ जाए तो क्या ही बात है। ये हम कल अनाउंस करेंगे। इसके अलावा बाय द वे हमारे कस्टमर्स जो हैं वो तो चलो हैं ही, लेकिन उसके अलावा तमाम जो देखने वाले हैं उनके लिए भी एक अमेजिंग न्यूज है। आप 5 मरले का प्लॉट जीत सकते हैं। 27 रमजानुल मुबारक को कुरानदाजी होगी। अब उसका हिस्सा बनने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप अल जलील डेवलपर्स के सोशल मीडिया पेजेस पे जाएं, अल जलील डेवलपर्स के सोशल मीडिया पेजेस पे जाएं और वहां पे उनको लाइक भी करें, टैग भी करें और शेयर करें। इस तरह आप भी हिस्सा बन सकते हैं उस कुरानदाजी का जिसमें 5 मरले का प्लॉट जीतने का मौका मिलेगा। आइए चले बैलेट बॉक्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो इनाम है उसको निकालते हैं। मोबाइल फोन निकालने का वक्त हो गया है। मोबाइल फोन के विनर कौन है ये अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो आज जो हमारे सबसे पहले विनर हैं मोबाइल फोन के बाय अल नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम, उनका नाम है उमर अल्ताफ लाहौर से, BLM 5278092। उमर अल्ताफ साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने जीता है आज की गुरंदाजी में मोबाइल फोन। एंड बाकी की जो है वो बैलेटिंग हम करते रहेंगे। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है हमारे मुल्क के मारूफ नातख्वां, एक बेहतरीन होस्ट, एक ऐसी पर्सनालिटी जो मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, हमें शहजाद हनीफ मदनी ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकात। अभी कलाम की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स एक जरूरी बात, आज का टॉपिक एक्चुअली हमने रखा है तकब्बुर। व्यूअर्स, पता नहीं क्यों इंसान में तकब्बुर या जिसको हम एरोगेंस या एटीट्यूड कहते हैं क्यों आ जाता है। अब ये क्यों आता है, इसके बड़े रीजंस होते हैं। कभी किसी इंसान को अगर हम अपनी अपीयरेंस की बात करें तो अपने लुक्स पे, अपने हुस्न पे एटीट्यूड उनके अंदर डेवलप हो जाता है, तकब्बुर आ जाता है। किसी के पास माल दौलत बहुत हो उस पर तकब्बुर आ जाता है, किसी के पास नाम और शोहरत हो उस बात का तकब्बुर आ जाता है, आप किसी अमीर घर में पैदा हो तो उसका तकब्बुर आ जाता है कि भाई मैं फला फैमिली से बिलोंग करता हूं। बट व्यूअर्स, कभी ये हमने सोचा है उन लोगों ने जिनमें तकब्बुर, एंड बाय द वे तकब्बुर एक बड़ी नफसियाती प्रॉब्लम है, ये एक नफसियात की प्रॉब्लम है। मैं पढ़ रही थी काफी ज्यादा, मैं रिसर्च कर रही थी कि भाई तकब्बुर इंसान में आता क्यों है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यह है कि इंसान खुद किसी इनसिक्योरिटी या एहसास कमतरी का शिकार होता है और वो आप दूसरे के ऊपर वो जो कहते हैं ना थोपने की कोशिश करते हैं अगले को कमतर फील करा के। लेकिन व्यूअर्स, जो दरख्त फलदार होता है जिसपे सबसे ज्यादा फल लगता है वो तो झुका हुआ होता है, उसमें तो बहुत आजजी होती है। आजिज इंसान ही जिंदगी में आगे बढ़ता है। अपने अंदर ये जो फॉल्स ईगो है, ये जो अना है, ये जो तकब्बुर है, इसको खत्म करें। और इसको खत्म करने का बेहतरीन तरीका यह है कि सलाम में पहल करें, हर लम्हे सलाम में पहल करें। आप देखेंगे आपके अंदर तकब्बुर बहुत कम हो जाएगा। और इस पे मजीद हम कोशिश करेंगे कि बात करें। सलमा, आपसे भी मैं इस
बात पे ज़रूर बात करना चाहूँगी, लेकिन क्योंकि वक्त कम है कलाम सुनते हुए ब्रेक की तरफ जाएंगे और सलमा हमारे साथ रहेंगी। सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नजा आए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह शाह करना, जब वक्त नदा आए दीदार अता करना। ए सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नदा आए दीदार अता करना। बिगड़ी है मेरी किस्मत, बिगड़ी को बना जाना, झोली मेरी खाली है, कुछ नाम खुदा देना, आता है तुम्हें शाह मुश्किल में अता करना, आता है तुम्हें शाह मुश्किल में अता करना, जब वक्त नजा आए दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ बरका, महशर में बरम रखना, रुसवाए दमाना कमली में छुपा लेना, कमली में छुपा लेना। करम ओ निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे, हम ये बेकसा, हम ये बेकसा, क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे। ताजदारे हरम हो, ताजदारे हरम, कोई अना नहीं गम के मारे है हम, कोई अपना नहीं गम के मारे है हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। ओ निगाहे करम, ओ निगाहे
करम, वरना चौखट पे हम आपके दर्श पाले अगर जाएंगे ताजदारी हरम, हो ताजदारी हरम में कशो आओ मदीने चले, मैं कशो आओ मदीने चले, दस्त साकी कौसर से पीने चले, दस्त साकी कौसर से पीने चले, याद रखो अगर, याद रखो अगर, उठ गई एक नजर, जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे ताजदारे हरम, हो ताजदारे हरम, हो ताजदारे हरम, हो ताजदारे हरम। जी वेलकम बैक नाजरीन, और ये कलाम सुनते हुए मुझे ख्याल आ रहा था हमारे बड़े प्यारे अमजद साबरी महरूम साहब, क्या कमाल इंसान थे, और ये सारा कलाम जो आपने पढ़ा, इन्होंने पढ़ा, वो सब पीछे यादें चली गईं, ख्याल आया कि बड़ा थोड़ा सा वक्त उन्हें मिला दुनिया में, और देखिए कि वो अमर हो गए जाने के बाद, उनका नाम बड़ा इंसान जाने के बाद और बड़ा हो जाता है, उसको समझा जाता है उसकी यादें, उनका आज वो डे तो नहीं आया, लेकिन आज मेरा ख्याल है कलाम उनको ट्रिब्यूट पेश हो गई, और क्या खूबसूरत कलाम इन्होंने पढ़ा। बिल्कुल, और रमज़ान में ही वो हमसे जुदा हुए, तो और वो एक मिसरा जो उन्होंने ना जाने उस दिन एक दिन कबल कितनी मर्तबा दोहराया कि मुजरिम हूँ जहाँ भर का माशर में भरम रखना, ये बड़ी बड़ी यादें हैं शख्सियत के साथ। और इन दिनों में ए प्लस पे वो जी आ रहे थे और कलाम पेश कर रहे थे, खैर अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, जन्नतुल फिरदौस में उनको आला तरीन मकाम अता फरमाए, आमीन आमीन आमीन। अच्छा, हम बात कर रहे हैं जब अमजद साबरी जैसे ग्रेट इंसान की, तो और हमारा टॉपिक है तकब्बुर। अब उनमें इतनी आजजी थी, इतनी आजजी थी, तो तकब्बुर से जो हमारा आज का टॉपिक है उससे रिलेटेड आप कुछ कहेंगे, फिर हम अपने बच्चों के रिजल्ट्स की तरफ। मैं समझता हूँ कि तारीख के मुझे किसी मुतकब्बर इंसान का नाम बता दीजिए जिसको रुसवाई का सामना ना करना पड़ा। अच्छा, वो मारूफ हो या गैर मारूफ, वो आपकी जाती याददाश्त में हो या दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, आपको मिलेगा कि हर मुतकब्बर इंसान उसे रुसवाई का सामना और वो इबरत ज़रूर बना। अच्छा, एक बड़ी ख़ास बात, ये जो लाइफ है ना, मुझे किसी ने समझाने के लिए मिसाल दी और मुझे बड़ी अच्छी लगी, और मंदी भाई मैंने सोचा कि मैं कभी मौका मिले इस तरह से समझाऊंगा जैसे मैंने इसको समझा ज़िंदगी को, कि ज़िंदगी में आपके सामने जो दरवाजे हैं वो सब दरवाजे, उनकी चौखट बड़ी बुलंद नहीं है, कई दरवाजे ऐसे हैं जिसमें से झुक के गुजरना पड़ता है। हाँ, तो मुतकब्बर इंसान वो अपना सर मार देता दरवाजों पर, उसका जो माथा है वो फट जाता है, झुका हुआ इंसान, आजिज इंसान, वो ज़िंदगी की मुख्तलिफ सिचुएशन से वो निकलते हुए आगे निकल जाता है। टफ टाइम आता है, मुश्किल वक्त किस पे नहीं आता, आप नेक से नेक है, वक्त के वली हैं, मुश्किल आप पे जरूर आएगी, लेकिन अगर आप आजिज हैं, मस्कीन हैं, आप सरेंडर कर जाते हैं, आप अल्लाह की रजा को मान जाते हैं, अकड़ते नहीं, तो उस सिचुएशन से आप निकल जाएंगे। और आपको ये भी बता दूं कि आज जो माइंड साइंसिस है वो जुगन ये मान रही है कि वो लोग जो मुतकब्बर होते हैं उनका बॉडी का ओरा, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो बलाओं को वैसे ही खींच देती है। यानी आप मुसीबत को, प्रॉब्लम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो मुतकब्बर हो जाइए, और मुसीबत से दूर भागना है, बचत करनी है, तो एक ही रास्ता आजिज हो जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। और सलमा, मुझे पता है कि आज का जब टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम शुरू करने से पहले, तो आपने भी कहा था आप भी अपनी कुछ फीलिंग्स शेयर करेंगी, क्योंकि हर फील्ड में हम ऐसे लोग देखते हैं जिनको अल्लाह ताला ने, मैं बार बार ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी। हम लोग हमेशा कहते हैं कि जब इज्जत मिलती है, फेम मिलती है, तो हम कहते हैं मैंने बड़ी फेम हासिल की, लेकिन जब प्रॉब्लम होती है तो कहते हैं अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर ये अजाब आ गया। व्यूअर्स, अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, एक सुई नहीं हिल सकती। हम क्यों सोचते हैं कि हमारी इतनी औकात है या हमारी इतनी वैल्यू है कि हम जो है वो अपने आप को फेमस कर सकते हैं या अपने आप को एक सर्टन तरीके से बना सकते हैं?
तो तकब्बुर इंसान में, मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा तकब्बुर आ जाता है, क्या कहोगी? अच्छा, हमारी फील्ड में भी ऐसा है, मद्दी भाई मेरी बात की तायीद करेंगे, हम चूँकि नात खान हैं और समझा जाता है कि हम दीन के ज़रा ज़्यादा करीब हैं तो शायद हमें तकब्बुर नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे मुतकब्बिर लोग भी इस फील्ड में मौजूद हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो बर्तन खाली होता है आवाज़ उसी में से आती है, जो भरा हुआ बर्तन होगा उसमें से आवाज़ बहुत कम आएगी या आएगी ही नहीं। थोड़े च बहुता पा दे ना तो सांबा नहीं जाता, मसला ये होता है। ये भी तो एक थियरी है ना, ये मुझे पिछले दिनों किसी ने ये बताया तो मैं ये जो एक स्टेटमेंट है तो बड़ी वो हुई, मैंने ये बात सच है। अखान है ना पंजाबी को, अच्छा अखान के बारे में कहते हैं 200 साल में बनती है, यानी 200 साल के मुशाहिदे के बाद एक अखान बनती है कि थोड़े बीच बोता पा दो वो साम नहीं सकता। अच्छा जो आपने बात की ना, मैं बताऊं इससे उल्ट है, जो कुदरत का निजाम है वो ये है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लोग क्रेडिट लेते हैं मेरा कमाल है मैं फेमस हो गया हूं, और अगर जवाल का शिकार हुआ तो देखो मेरे पे मुसीबत आई, ये अल्लाह ने मेरे साथ ऐसे अल्लाह नाउज बिल्ला क्यों कर दिया। उल्ट है, फेमस आप अल्लाह के कर्म से हुए होते हैं और बेड़ा गर्क का आप अपना करते हैं जिसको आप दिखाते नहीं है। ये बड़ी गहरी बात है कि काउंसलिंग्स में बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट और बड़े बड़े अच्छे कोर्स ने बताया कि जब बंदा एडमिट करता है तो ये मानने लग पड़ता गलती मेरी थी, लेकिन क्योंकि हमने दुनिया के सामने अपना एक भरम रखना होता है तो हम कहते हैं कि जी मेरा कोई कसूर नहीं है, सारे जमाने का कसूर था। अच्छा, आज ये बात आप लोगों के सामने करने का एक रीजन है बेटा, आप चारों के सामने इसलिए क्योंकि देखो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आप चारों को बड़ी खूबसूरत आवाज से नवाजा है, बड़ा करम है आपके ऊपर कि आप रब ताला का मतलब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं, हमदे बारी ताला पेश करते हैं। तो अपने अंदर आजजी हमेशा रखना और देखना कि कितना फल और कितने भाग लगेंगे आपको। आपकी तरफ चलते हैं जज साहब। मैं अगर मुझे इजाज़त दें तो एक छोटी सी बात मैं भी इस पे हवाले से ज़रूर करना, जो मैंने देखा है कि सूफिया की जितनी खानकाहें हैं उन्होंने अपनी दहलीज है ना उसको छोटा रखा होता है। तो मैंने अपने बाबा जी से एक मरतबा पूछा कि ऐसा क्यों है, तो वो कहते हैं कि बंदे के जो तकब्बुर का मिजाज है उसको डाउन करने के लिए, वो झुकाने की तरबियत देने के लिए ये भी एक पहलू है। लेकिन अब आपने जो प्यारी बात कही इनकी तरबियत के हवाले से, वो तो बड़ी बुनियादी बात है और इस उम्र में अगर सीख जाएंगे तो क्या बात। क्योंकि ये हमने पहले डिसाइड किया कि हम ये बात करेंगे फिर कंटेस्टेंट्स को बुलाएंगे, लेकिन व्यूअर्स ये बात बड़ी पते की है और इसको इसके बारे में सोचना ज़रूरी है। कभी कभी हम अपने बच्चों को तकब्बुर कर देते हैं और ओवर स्पॉइल करके उनके अंदर गलत आदत डाल के, ये कि मेरा बेटा तो शहजादा, मेरा बेटा तो ये, मेरी बेटी तो ये भी एक थॉट प्रोसेस है जो हमने अपने बच्चों में नहीं डालनी। अपने बच्चों की तारीफ करें, उन्हें प्यार करें, उन्हें लाड करें, लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि आजिज़ होना कितना ज़रूरी है, सलाम में पहल करना कितना ज़रूरी है। अच्छा, ऐसा करते हैं कि ताकि सारे कंटेस्टेंट्स के ऊपर हम फीडबैक ले सकें, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक में जाने से पहले ये ज़रूर बता दूं कि आज क्वालिफायर 3 की एलिमिनेशन डे है, टॉप स्कोरर जो है वो राउंड 2 में जाएंगे और जो बॉटम 3 कंटेस्टेंट्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी कि एक कंटेस्टेंट सिर्फ आगे जाएगा। वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू किसी को मौका मिल सकता है वापस आने का। आज हमारे साथ शहजाद मदनी हैं, वो बताएंगे एज अ जज के इन सब ने कैसा परफॉर्म किया, एंड देन फाइनली आपको मैं बताऊंगी हु द विनर इज। सिर्फ एक कंटेस्टेंट आज आगे जाएगा, वो कौन है ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं नूरे रमजान जो आप तक पहुंचाया गया है बाय अल नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं ब्रेक से पहले आपकी फिर कंटेस्टेंट से मुलाकात कराई, क्वालिफायर 3 एलिमिनेशन डे है, नूरे मिद्दत नाथ कॉम्पिटिशन 2021। जी मदनी भाई, ओवर टू यू। चारों कंटेस्टेंट्स पे आपने फीडबैक देनी है और उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होगा। जी ठीक है, सबसे पहले तो मुजम्मिल खान आप आए बेटा। बेटा एक कदम आगे ले लीजिए। हाँ जी, मुजम्मिल खान बहुत अच्छी आपकी कोशिश थी बेटा, लेकिन आपकी आवाज़ में मुसलसल खराश रही और जा बजा सुर कभी कम कभी ज़्यादा आपका होता रहा, तो ये एक बहुत मतलब आवाज़ बहुत अच्छा है, अगर आप इसको मैनेज करके अच्छे तरीके से चलाएंगे तो इंशाल्लाह आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा,
इसके बाद मैं चाहूंगा जी के एक भाई है अब्दुल्ला जी, अब्दुल्ला आप आइए। अब्दुल्ला ने पहले दिन बहुत अच्छा पढ़ा, यानी हमारी तवक्को से भी ज़्यादा अच्छा पढ़ा, लेकिन सेकंड डे अब्दुल्ला अपना सुर भी नीचे रखा और अपनी आवाज़ में, आपकी आवाज़ में खुश्की भी, खराश भी बहुत रही, और एक दो जगह आपने मतलब तलफ़ुज़ की भी खराबी रही। तो आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हम आपके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह करीम आपको हिम्मत दे और आप आगे बढ़ें। अच्छा, आप दोनों बेटा पीछे हो जाए। अब आयशा आप आगे आइए, इन पर फीडबैक दीजिए सर प्लीज़। आयशा ने बहुत अच्छा पढ़ा जी, और पहले दिन से ज़्यादा दूसरे दिन उससे ज़्यादा मेहनत करके आई और भरपूर आई और आवाज़ बहुत खूबसूरत इस्तेमाल की। लेकिन पहले दिन ज़रा सा वो जी नर्वस थी, थोड़ी नर्वस थी, थोड़ा सा जहन से इनके निकल भी गया था जी। हाँ, वो रुक सुकम भी आया थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाद में इन्होंने उसको बड़ा मैनेज किया था, मैनेज किया। थैंक यू आयशा। एंड देन फाइनली खुर्रम शहजाद। खुर्रम की आवाज़ नात खानों वाली आवाज़ है, जो महाफिल में पढ़े जाने वाले नात खान है ना, उन जैसी आवाज़ है। लेकिन खुर्रम हमेशा अपने स्केल से भी नीचे गए और खुर्रम ने लफ्ज़ों को भी गलत किया, कुछ तोड़ा कुछ जोड़ा, इसकी मतलब वजह से ये भी मैं समझता हूँ कि इनको भी मेहनत करनी चाहिए, बल्कि आप सबको मेहनत करनी चाहिए, आप सब आगे बढ़ सकते हैं। और आप कितने बड़े कारवां के लिए मिदहत खां हैं, जिनके इतने बड़े मीरे कारवां की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप और निखर कर सुर के साथ, मोहब्बत के साथ और अकीदत के साथ, सबसे बढ़कर उस बारगाह में कैफियत के साथ हाज़िरी पेश करें। बेशक। अब हम अनाउंस करेंगे नंबर 3, नंबर 2 एंड देन नंबर 1, और ऑब्वियसली फोर्थ कंटेस्टेंट जो होगा उनको पता चल ही जाएगा। एक ही कंटेस्टेंट आगे जाएंगी जाएंगे या जाएंगी। एंड चलें जी, नंबर 3 का नाम अनाउंस कर दूं सर आपकी इजाजत से? जी बिस्मिल्लाह। ये मैंने नहीं डिसाइड किया, जजेस ने किया है, मेरे से कोई नाराज नहीं होगा। कंटेस्टेंट नंबर 3, थर्ड पोजीशन हासिल करने वाली या वाले हैं खुर्रम शहजाद। माशाल्लाह, वेरी गुड। ये हमारे थर्ड कंटेस्टेंट है, नंबर 3 पोजीशन पे आप आए हैं। खुर्रम, मेहनत की जरूरत है बेटा, थैंक यू। अब आ जाते हैं सेकंड कंटेस्टेंट की तरफ। इन कंटेस्टेंट के बारे में ये शेयर करूंगी कि इनके 64 पॉइंट्स आए हैं 80 में से, 64 पॉइंट्स 80 में से, और बड़ा क्लोज कंपटीशन था नंबर 1 एंड नंबर 2 में। बाय द वे, नंबर 2 के भी मैं नंबर 1 के भी पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सेकंड नंबर पे जो कंटेस्टेंट हैं उनका नाम है अब्दुल्ला रईस। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेल डन बेटा। थोड़ी सी गुंजाइश रह गई, 2 पॉइंट्स की वजह से आप नंबर 1 पे नहीं आ पाए। थैंक यू बेटा। द विनर, अब विनर मुजम्मिल हैं या आयशा हैं? जी दोनों में से एक है। बता दूं? जरूर। उनसे ज्यादा तो आपको टेंशन हो रही है सर। खुशी हो रही है कि मेरे बच्चे अच्छे अच्छी नंबर पोजीशन पे आ रहे हैं, माशाल्लाह। 66 पॉइंट्स आए हैं इनके, नंबर 2 और नंबर 1 में सिर्फ 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्वालिफायर 2 में और क्वालिफायर 1 में लड़की थी, और क्वालिफायर 3 में भी आज लड़की ही है, और नंबर 1 पे आयशा अकबर है। माशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो बेटे। कितनी प्यारी बात है कि तीनों क्वालिफायर्स में हमारे पास बच्चियां ही हैं, पहले खैरुन्निसा, महक बतूल और अब आयशा अकबर। आयशा बेटा, ये अलनूर ऑर्चर्ड की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, ये आपके लिए जामे शीरी, करशी के जामे शीरी की तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर। बहुत मुबारक हो। मुजम्मिल बेटा, डिसहार्ट नहीं होना, अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह कामयाबी देंगे। आई नो फॉर अ फैक्ट दैट आयशा ने भी पहले दफ़ा कम्पीट नहीं किया, बड़ी दफ़ा इन्होंने भी कोशिश की और फाइनली वो अपने आप को इस लेवल पे लेके आई हैं। कम्पीट करते रहें, कोशिश करते रहें, एफर्ट ही है जो हमें एक सर्टन लेवल पे लेके जाता है। और कभी कभी ज़िंदगी में हम गिरते ही इसलिए हैं ताकि हम उठें, और बार बार जब इंसान उठना सीख लेता है तो उसको कामयाबी मिल ही जाती है। आपको मुबारक हो बेटा, थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।